अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग होने जा रही है जी ब्यूटी बाय आमना से। मैंने मंगवाया है, कुछ कॉस्मेटिक्स मंगवाए थे, खैर अनबॉक्सिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करना तो लाजमी है, क्योंकि कोई भी पार्सल अगर घर पर आए तो उसको बहुत देर तक रखना बहुत मुश्किल होता है। सब लोग बड़े उतावले होते हैं कि भाई इसको अनबॉक्स करना है, इसको अनबॉक्स, इसको खोलना है, इसको देखना है इसमें क्या है। तो ये ब्यूटी बाय आमना से मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, क्या क्या मंगवाए हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद है, वो दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगवाए हैं, फिर उन सब का जो है रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो है क्या बताना चाहती थी मैं आपको, हाँ जी प्राइसेस जो है वो जो है मैं थोड़ी भूल गई हूँ, और मुझसे जो है इनकी इनवॉइस भी गुम हो चुकी है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी करती हूँ। लेकिन जो है क्या नाम है, लेकिन मैंने इसको बाय किया था जब इनका डिस्काउंट चल रहा था, वो भी 80% फ्लैट 80% जब ऑफ था तब मैंने बाय किया था। तो लेकिन मुझे इतना याद है कि इनके जो बिफोर डिस्काउंट प्राइस थी, ये देखें जैसे ये पैक होके आया था ये बिल्कुल वैसा ही पड़ा हुआ है, बस एक दफ़ा खोल के चेक किया था और उसके अलावा कुछ नहीं किया। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी पैकिंग है इनका, ये बॉक्स कितना प्यारा है, और एक दफ़ा बस खोल के चेक किया था कि क्या क्या है, और उसके अलावा कुछ नहीं किया। इसको वैसे ही अनटच पड़ी हुई है चीज़ें अभी तक। तो प्राइस मैं आपको बता रही थी 80% ऑफ था, तो आई पैलेट जो बिफोर डिस्काउंट जो था कि 7000 समथिंग था, तो वो मुझे डिस्काउंट में मिल गया था 2500 का। तो प्राइजेस सबकी वेरी हैं, क्योंकि प्राइजेस इनकी चेंज होती रहती हैं, कभी भी एक जैसी प्राइस नहीं रहती, कभी अप कभी डाउन। तो ये है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है फेस पैलेट और ब्यूटी बाय आमना का। इसको खोलते हैं और देखते हैं जी इसमें से क्या निकलता है। खुल नहीं रहा, इस तरह से खुल गया, तो ये खुल गया, और खोलने के बाद ये देखें ये है इनका फेस पैलेट। और इनकी ये जो पैकिंग है ना, ये मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि बाकी जितनी भी ब्रांड्स के पैलेट्स हैं उनके ऊपर ये जो है सारा प्लास्टिक होता है, और जो कि एक दूसरे के साथ हम जब कॉस्मेटिक्स बॉक्स में रखते हैं चीज़ों को, तो जब पैलेट्स को रखते हैं तो इसके ऊपर जो भी चीज़ें रखी जाती हैं तो वो रगड़ खा खा के उनमें बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं, लेकिन इसकी ये चीज़ बड़ी अच्छी है। ये जो है गत्ते में है और प्लास्टिक नहीं यूज़ की गई, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैग्नेट है यहाँ पर इनका, ये मैग्नेट है, आप सुन पा रहे हो होप सो। और ये है जी पैलेट, खोल के भी दिखाऊंगी, लेकिन रिव्यू नहीं बताऊंगी, दिखाऊंगी रिव्यू जो है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये था फेस पैलेट। फेस पैलेट के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी आईलाइनर। अच्छा जी, ये है आईलाइनर इसका, इसको भी खोलते हैं। ये है जी छोटू सा आईलाइनर, और कैप भी खोल के आपको दिखा देती हूँ, आप लोग भी क्या याद करेंगे। ये देखें जी, ये है आईलाइनर। अच्छा जी, आईलाइनर के बाद आगे हम चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास जी, ये है हमारे पास जी जनाब, हाँ हाँ मुझे क्या है जी आई शेडो एंड आई शेडो आई शेडो एंड आई शेडो। तो ये आई शेडो पैलेट है, ये वाली भी और ये वाली भी, ये दो आई शेडो पैलेट्स हैं। तो इसको भी खोलते हैं, देखते हैं जी अंदर से कैसी है, आपके सब कुछ सॉरी हाथ पे पड़ गया मेरा, तो ऐसा तो होता रहता है। चलिए इसको खोलते हैं। अच्छा, और आप लोगों को दिखाऊंगी खोल खोल के सारे, आप लोगों को लुसाऊंगी लुसा लुसा के, देखें वाओ इट्स रियली अमेजिंग। कलर्स देखें कितने प्यारे हैं, लवली। चलें कौन को लूसा बताएं ज़रा अक्सर लोग खाने को देख के लूसते हैं, और जो होते हैं ब्यूटी कॉन्शियस या ब्रांड कॉन्शियस ब्यूटी रिलेटेड, तो वो इन चीज़ों को देख के लूसते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, आपको मैं दिखाती हूँ जी मेरे पास क्या है। ये है जी लिपस्टिक, और इसकी भी कहानी भी साथ साथ सुनाती हूँ, थोड़ी सी इसके साथ गड़बड़ घोटाला हो गया था तो वो बताती हूँ मैं आपको क्या हुआ।
जी, तो मैं आपको बता रही थी कि इसके साथ जो गड़बड़ घोटाला हुआ वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको पहले पैकिंग दिखा दूँ कि ये कितनी प्यारी सी लिपस्टिक है। ये है जी लिपस्टिक, इसको खोलते हैं और ये देखें, ये हुआ इसका गड़बड़ घोटाला। ये आते ही बिचारी का चले, इस ये तो एक ही है, इसका मैं क्या अलग से रिव्यू शेयर करूँगी। तो मैं इसका आपको थोड़ा सा स्वैच ट्राई करके दिखाती हूँ। पहले ही बिचारी का सत्यानाश हुआ हुआ है, ओ माय गॉड। तो ये हुआ था यूं कि इसको खोलते ही छोटी सी बेबी ने इसका सत्यानाश कर दिया था। तो कलर बहुत प्यारा है इसका वैसे, लेकिन ये थोड़ा स्वेच सही से मुझसे ट्राई नहीं हुआ क्योंकि वो पहले बेचारी ज़यीफ हुई हुई थी। तो मैंने कहा और ना इसका बुरा हाल हो जाए, लेकिन अच्छा कलर है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं सारी। आम ना सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, नो डाउट। प्राइस अच्छी है तो फिर चीज़ें भी अच्छी हैं, कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो वही हिसाब है, जितना गुड़ डालते जाओगे उतना मीठा होता जाएगा। पैसा फेंक तमाशा देख, वो हिसाब है। तो चलते हैं, बड़े वाला पैलेट खोलते हैं और ये देखें जी, ये भी आई शैडो पैलेट है। और चलते हैं, टिंटन देखें देखें देखें, मैं क्या लाई हूँ आप लोगों के लिए। वाह वाह, लवली, इट्स अमेजिंग। देखें कितने प्यारे कलर हैं। तो ये तो था आज का मेरा अनबॉक्सिंग का वीडियो, और इन सब का अलग अलग से रिव्यू मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अच्छा, आईलाइनर का मैं इधर ही रिव्यू शेयर कर दूँ क्योंकि ये छोटा सा छोटू सा तो है, तो फिर मैं इसका अलग से क्या रिव्यू बनाऊँगी। लेकिन ये वाली आई पैलेट, ये बड़े वाली और ये छोटे वाली, छोटी वाली छोटी छोटू सी और एक और छोटू सी, ये तो फेस पैलेट थी, वो आई पैलेट है, और ये वाली आई पैलेट, ये थी, इन तीनों के सेपरेट वीडियोस भी मैं बना लूँगी। तो आईलाइनर को हम खोलते हैं, इसका बनाते हैं, इसका भी मैं आपको रिव्यू शेयर कर देती हूँ कि ये कैसा है। इन सबको साइड पे करते हैं। ये देखें, ये है आईलाइनर, ये है इसकी पैकिंग, और ये जी ब्यूटी बाय आमना, ये इसकी कैप। इसको खोलें, बस खोलते हुए थोड़ा डर लगता है कि कोई गड़बड़ वो डाला ना हो जाए। और ये देखें, ये है इसकी कितनी, अब आपको दिख रही होगी कितनी प्यारी सी नोक बनी हुई। और अब इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं जी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन लगा दे, ये देख। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मज़े की चीज़। मेरा दिल कर रहा है मैं इसे ड्रा करती जाऊँ करती जाऊँ, लेकिन बहुत मज़े का, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो किसी को अगर बाय करना है तो मैं ज़रूर प्रेफर करूँगी कि ये आप ज़रूर बाय करें। और लॉक भी बहुत अच्छा है, टाइट है, और जब टाइट लॉक होता है तब चीज़ बच जाती है, खासतौर पर आई लाइनर। नहीं होता तो फिर ये बेचारा ड्राई हो जाता है। और बहुत अच्छा ये इसका जो है आई लाइनर, नो डाउट बहुत ही मज़े का, अमेजिंग है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसे स्वेचेज़ आपको दिखाया मैंने। स्वेचेज तो नहीं है शायद, जो भी है चलो जी, मेरे अभी माइंड में नहीं आ रहा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन बहुत कमाल का है, ज़बरदस्त। अगर ये फोकस कर, हाँ ये देखें फोकस कर लिया, और ये देखें कितना ज़बरदस्त है। तो ज़रूर बाय करें, मैं प्रेफर करूँगी, मज़े की चीज़ है। तो ये तो था आज का अनबॉक्सिंग का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें।